हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव अंजलि। आज मैं लेकर आई हूँ अरबी की सब्जी की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं अरबी की सब्जी। कई तरह से अरबी की सब्जी बनती है, लेकिन मैं ये जो आपको अरबी की सब्जी की रेसिपी दिखा रही हूँ वो मुझे बहुत ही पसंद है और बहुत ईजिली बन जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले अरबी को अच्छे से वॉश कर लेना है पानी में, कुकर में सीटी लगाकर उबाल लेना। दो सीटी में ये उबल जाता है, तो मैंने यहाँ उबाल लिया और ठंडे होने के लिए रख दिया है। ठंडे होने के बाद अरबी से छिलके उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद इसे हम मनचाही शेप में कट कर लेंगे। आपको जिस भी शेप में कट करना है वैसे शेप में इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अरबी का मैरिनेशन करेंगे। तो मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है मैरिनेट करने के लिए, लाल मिर्च पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है मैंने, गरम मसाला डाला है मैंने, अमचूर पाउडर डाला है मैंने और नमक डाला है। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे या टैप टैप करके मैरिनेट कर लेंगे। अब एक पैन को फ्लेम के ऊपर रख के बहुत तेज़ गरम करेंगे। उसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल को भी बहुत अच्छे से गरम करके और मैरिनेट किए हुए अरबी को हमें फ्राई कर लेना है। फ्लेम को तेज़ रख कर ही हमें अरबी को फ्राई करना है, नहीं तो ये कम फ्लेम पर अगर हम फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएंगे। अरबी जब फ्राई हो जाएगा तो हम उसे निकाल कर एक साइड पर रख देंगे। फिर उसी पैन में हम ऑयल को गरम करेंगे। इसमें हम तड़का लगाएंगे। मैंने यह राई, लाल मिर्च और तेज़पत्ता का तड़का लगाया है और मैंने इसमें थोड़ा हींग भी ऐड किया है। और जब तड़का चटक जाएगा तो हम इसमें प्याज कटे हुए डालेंगे। प्याज को भी हल्का फ्राई कर लेना है, गुलाबी होने तक फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी नरम होने तक हमें फ्राई करना है। टमाटर भी जब नरम हो जाएगा तो इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट हमें 2 टेबल स्पून ऐड करना है और मसालों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। मसाले बहुत अच्छे से भून जाए, तेल छोड़ दे। तो इस स्टेज पे हमें धनिया पत्ता डाल करके उसे भी भून लेना है। और जब सब कुछ अच्छे से भून जाए तो हमें गरम मसाला डाल देना है और उसमें पानी डाल करके हमें ग्रेवी तैयार कर लेना है। ठीक सा ग्रेवी तैयार करना है। ग्रेवी में जब 1-2 उबाल आ जाएगा तो हमें उसमें अरबी ऐड कर देना है। और अरबी ऐड करने के बाद हमें इसमें थोड़ा नमक ऐड करना है। और नमक ऐड करने के बाद जब सब्जी में 1-2 उबाल आ जाएगा तो हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। और इस तरह हमारी अरबी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। ये राइस के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। तो आपको ये मेरी अरबी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पर कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।